So let's quickly begin, guys and girls. Pay attention. Now this is our cheat sheet. ठीक है, इसमें तीनों parts हैं. First part is communication slides. ठीक. Second part is your grammar slides and third part is your format slide. ठीक. So मेरे को ये बताओ, how many are non-US students? How many? Non-US students. चलो then let's take a look over the questions. इसका नाम है सुदर्शन चक्र. Why? Because oops. No problem. Leave it. आप आ जाओ अंदर. No problem. आ जाओ. वो पंखा तुम्हारे लिए ही था वैसे. तो ओके. सो हियर वी हैव 108 कम्युनिकेशन क्वेश्चंस. 108 क्वेश्चंस में पूरा का पूरा चैप्टर कवर्ड है. सो इफ़ यू नो हाउ टू आंसर दीज 108 क्वेश्चंस, यू विल डेफिनेटली सिक्योर 8 मार्क्स. कम्युनिकेशन वाले तो फिक्स हैं. ठीक है. तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट्स देखना शुरू करते हैं. ठीक है. और नॉन यू ए गाइज, लेट मी हैव अ फ्यू आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. कैन यू ऑल सी दिस शीट? You can see colors black and red. Yes, ma'am. So red ones are the keywords. Guys, एक चीज ध्यान रखना हमेशा exam में ना, whenever you are writing any theory paper, it's now, it's intermediate, it's final. Whenever you are writing a subjective answer, the examiner is looking for keywords. ठीक है. Examiners they always look for keywords. Keyword oriented answers जब होते हैं ना, आपको marks पूरे मिलते हैं. And this is one reason why maximum students they are unable to secure grade in paper 2. Paper 2 में हमेशा वो 35 से 39 वाला जो कोटा रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है. Reason is students are unable to present properly in the examination. और exam में आपका presentation बहुत ज़्यादा matter करता है, both in law and BCR. So BCR is not limited to 40 marks of BCR, but also greatly responsible for your scores in law. Law में concepts तो सबने कर लिए, सर ने करा दिए, हमने खुद भी कर लिया. हाउ टू प्रेजेंट दैट, लैंग्वेज वुड मैटर. लैंग्वेज मैटर्स एवरीवेयर. ठीक है. तो अब यहाँ से ना कीवर्ड्स मार्क करते जाना. लेट्स क्विकली टेक अ होल्ड ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम लेटिन टर्म कम्युनिस. हु कैन एक्सप्लेन? यस, टू शेयर. एब्सोल्युटली. सो हियर टू शेयर और टू मेक कॉमन. First keyword. If you write to share, you are given marks. Next, what is communication? Communication is the process of transferring information. Okay, is this only transfer of information? Ideas, thoughts. How? What are the keywords in the process of communication? Anyone? Please sit down. Anyone? Elements of communication. Next question. डिफरेंस बिटवीन कमी इसमें आते हैं. पहले ये बताओ फटाफट से, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? एनीवन? यस, हाउ डू यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? फॉर टू मार्क्स यू आर गिवन द क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? हाउ वुड यू आंसर? ओके. ये भी ठीक है. एग्जाम में कैसे लिखोगे? एग्जाम में यू थिंक यू विल राइट 8 लाइंस फॉर 2 मार्क्स आंसर? कैसे लिखेंगे? नॉट रियली रिक्वायर्ड. ठीक है. डेफिनेशन जब लिखनी है तो 2 लाइंस में यू हैव टू इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स. ठीक. कम्युनिकेशन इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस. यू मे वॉन्ट टू टेक डाउन द कीवर्ड्स इन योर कॉपीज इन योर नोटबुक्स. ठीक है. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अ कॉमन क्वेश्चन. वॉट इज कम्युनिकेशन? ये बार बार एग्जाम में आता है एंड द एग्जामिनर इज नॉट लुकिंग फॉर योर 11th 12th BST आंसर्स. बिजनेस स्टडीज वाले आंसर्स नहीं चाहिए. यहाँ पे सिंपल आंसर चाहिए. कम्युनिकेशन इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस. ठीक है. विच इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग और शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. सो लुक हियर, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? इसका पेन जो है भारत, इसका सिलेक्ट कैसे करना है? पेन, हाउ टू सिलेक्ट द पेन? ये मेरा तो ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है. हाउ डू आई टेक द पेन? हो सकता है कि वो नहीं, फिर मैं लिखूँ कैसे?
आपको नोटपैड पे यूज करना है कि इसके ऊपर राइट करना है क्या? हाँ लिखना है, इनको दिखाऊंगी कैसे। मैं तो आपको इस पे खोलना पड़ेगा ये। अरे यार नोटपैड अलग और ये अलग, मेरा लग सकता है क्या इसमें? नहीं, इसी पे लगा रहा हूँ मैं। तुम लोग जब सीए बनना ना तो ऐसे सीए बनना तो यू कैन एक्चुअली हैंडल टेक्नोलॉजी वेल। मतलब मैकबुक तो उनके लिए होता है, दोज आर नॉट सैवी विद टेक्नोलॉजी, टेलिंग यू ऑल। इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें हर चीज़ खुद ही आ जाती है ना। तो पीपल हु कैन यूज़ टेक्नोलॉजी वेल, उनके लिए उनको आना चाहिए। मतलब दैट मशीन इज एक्चुअली अ मशीन विच इज़ फॉर poor tech, the people who are non-tech savvy. It does everything for you. तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं एक मिनट वंश को बुलाता हूँ। ठीक है, लिखना नहीं हो रहा है। Anyways, you can उनको एक बार बता देना। आ गया? खाना खाने की खाने को क्या? BCR की क्लास, yes, morning, morning, morning. और अभी आज का जो सबसे ज़्यादा आज का जो आज का जो रेजिस्टेंस डी फीस जो है, एक्चुअली फीस डी रेजिस्टेंस, वो है तीनों सर लोगों का क्विज होने वाला है, जो यूए वाले हैं, एनाटॉमी और क्या एंटोनॉमिका। अभी थोड़ी देर पहले एंटोनॉमिका, सो एंटोनॉमिका अकाउंट्स और एनाटॉमी तो है ही पीछे है ना, एनाटॉमी आगे ना वापस। तो एंड थर्ड वन से भी ले लेंगे, तो इनके साथ बिठा करके अपन क्विज करेंगे। सुना नकुल भाई, तूने क्लास कैसे की थी ये बता दे मेरे को। इस पे तो चल ही नहीं रहा ना, पेन चल रहा है ना कुछ चल रहा है क्या? इस पे चला था तेरा? बता मेरे को कैसे आप लिखो? क्या नहीं 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 नोटपैड पे लेना पड़ेगा। इसको चला दे बेटा। कहाँ पढ़िए? ये ना I can write. चलो दो मिनट ड्रॉप एक बार। हाँ चलेगा। अरे मैडम हो गया ये लड़का। ओके इसकी ओके रिपोर्ट है। बिल्कुल ओके ठीक है, अभी आप करो। अरे इसको आगे पीछे कैसे करना है भाई? हाँ हो गया। अकाउंट्स किया नहीं बुलाती हूँ पहले, अभी ये आ जाओ आ जाओ, उसके बाद तुम ले, उसके बाद तो तुम्हें आना ही है, फिर तुम अकाउंट्स भी ले सकते हो लास्ट। ठीक है हाँ ठीक है, वो अपन कर लेंगे, वो अपन कर लेंगे। ठीक है ना, आवाज का प्रॉब्लम जो कोई कुछ, बस नकुल एक पहलवान हमारे साथ है। हाँ ठीक है, नहीं यार ऐसी ये वाली कसम नहीं देंगे, है ना, गर्लफ्रेंड्स की कसम, बॉयफ्रेंड्स की कसम और अटेम्प्ट की कसम, ये तीन यार ये कोड, मतलब ये BCR में अच्छा सिखा दिया गया है कोड, सहेली और सहेला। ठीक है ठीक है नकुल सर, ग्रांटेड। चलो गाइस नकुल सर के साथ सहेली और सहेले, चलो ठीक है अच्छी बात है, ये होना चाहिए, दिस बॉन्डिंग गोज अ लॉन्ग वे। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर कीवर्ड्स लिखने तुम शुरू कर सकते हो। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? नाउ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, इट्स एन इंटरपर्सनल प्रोसेस। फर्स्ट थिंग, इंटरपर्सनल इज द वर्ड। ठीक, इंटरपर्सनल, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर एंड इंट्रा? कोई बता सकता है क्या? ओके सो ऑनलाइन में हम सब ऑफलाइन भूल चुके हैं, वी कुड नॉट हियर एनीथिंग। एनीवन फ्रॉम हियर, डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल? फटाफट एनीबडी, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, एनीवन? इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल इज
यस इंट्रा इज एनीथिंग इनसाइड यार एक चौक रखना पड़ेगा कैसे तोड़ तोड़ के चल सो इंट्रा इज विद इन यू इंट्रा मीन्स विद इन इंटर इज ऑलवेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस एनीथिंग इंट्रापर्सनल इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू कम्युनिकेशन खुद से अगर कोई थॉट है अगर कोई सोच रहा है जैसे खूबी कहाँ है शी इज योर और शी इज नॉट योर ओके सो ऋतिक अगर कुछ सोच रहा है अपना बैठ कर ही सोच रहा है यार वो कितनी अच्छी लग रही है साइड से बैठ सो इज दैट कम्युनिकेशन अंटिल टोल्ड और यू लुक एब्सोल्यूटली स्टनिंग आई वॉज लुकिंग एट यू इन द क्लास दैट इज इंटरपर्सनल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अंटिल ही वॉज थिंकिंग अंटिल ही वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन हिज ओन इट वॉजेंट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ टू पीपल सो इन द डेफिनेशन इट इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस which requires transmission of information. Transmission has to happen from one person to another through a channel. The information has to travel from one person to another through a medium. So vocal ho sakta hai, spoken channel, it can be through WhatsApp, it can be through Telegram, it can be over any other media, aap log Facebook pe aur kahan kahan Instagram pe, everywhere we interact with each other. All these are mediums of information transfer. Theek hai? और इसके साथ में जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं दैट द थॉट और द आइडिया इज नॉट लिमिटेड टू वर्ड्स ओनली इट कैन बी वर्ड्स और सिंबल्स वी ऑल राइट इमोजीज टू आवर फ्रेंड्स इमोजीज और इमोजीज से हमारे जो दोस्त हैं वो समझ जाते हैं विंकिंग आए हैं इट्स अ लाई ठीक सनशाइन गुड मॉर्निंग की जगह आप सिर्फ वो सनशाइन बना करके भी भेजते हो हाँ एग्जैक्टली वैसे सहेला और सहेलियों के बीच में कैसी बातचीत होती है राइट दोज हार्ट इमोजीज हाँ दोज वो जो उसके किस निकलते हैं हार्ट्स निकल रहे होते हैं दोज इमोजीज यस बंदर वाला भी एग्जैक्टली आई यूज दैट बंदर वाला अलॉट क्योंकि मुझे तुम लोग की कई बार उसमें समझ में भी नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है सो ऑल दोज आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है So that is why word interpersonal is important. Two or more people, two or more persons is important. ठीक है Transmission is important. So you have to write this definition clearly with all the keywords included. ठीक Clear? Now next one. Difference between communication and effective communication. Anyone who can quickly explain. Difference between communication and effective communication. See the answer is written over here. यही मैंने पूछा भी था तुमसे आकर के law में What makes communication effective communication? Yes, feedback makes the communication effective communication. What does feedback ensure? What do you mean by feedback? Yes, Udit. In the same sense. Information delivery or exchange in the same sense between the two consensus must exist meeting of minds has to happen right so question ye do bar aa chuka hai yes consensus algorithm aur exam mein aa chuka hai meeting of minds is important in communication to ye meeting of minds ko apna sahela saveli wala meeting nahi samajhna hai that we are sitting in the garden and our minds have to meet it is more related to consensus is communication and that is what makes your communication more effective is the third question clear ठीक है सो दीज इन रेड आर द कीवर्ड्स दैट यू हैव टू राइट अब देखो जुलाई 21 का क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश हु कैन क्विकली एक्सप्लेन उदित कैन यू याद है यस यस So general English is day-to-day conversational. Last bench, you are able to hear me? Can you repeat the answer? What we discussed? Okay. So we will not use the words bit. General English is day-to-day and conversational. That we do not use for business purposes, that we use to interact with others. ठीक है और कम्युनिकेट विद अदर्स इन आर डे टू डे लाइफ्स लाइक विद आर फ्रेंड्स राइट विद आर क्लासमेट्स कोलीग्स एटसेट्रा विच इज लेस कॉम्प्लेक्स एंड नॉट जर्गनाइज्ड प्लीज राइट डाउन दीज वर्ड्स लेस कॉम्प्लेक्स नॉट जर्गनाइज्ड ठीक और बिजनेस इंग्लिश क्या है बिजनेस इंग्लिश इज मोर कॉम्प्लेक्स
technical, absolutely. Jargons are used and it is complex in nature, used for business purposes. For example, what? Written emails, business, आपका office orders होते हैं, memos होते हैं, official letters होते हैं. These are all examples of your business English. Clear to all of you? दो number का question है. ये सारे questions ना 2-2 marks के लिए exams में आते हैं. Any of these questions can be asked. Next, please sit down. Sorry? General is not jargonized. Now next question is, what are jargons? सबसे important, what are jargons? Anyone? Of studies, yes. Anyone from here? Can you answer? Jargons क्या होते हैं? What are jargons? Last red shirt, third row. Anyone from that row? Sorry. Field related words. Which field? Farming wale. Yes. Words that are specifically used, that are specifically concerned to, that relate to a field of study in particular. Iska example de sakte hai koi jargons ka? Jaise agar hum 50 cents na dollar. Yes. Dekho, jargons pe specific words ki agar baat kare, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ना मुझे अपने इसमें लगता है स्टडी में दिया हुआ है LOC. LOC, what do people normally understand with LOC? As you all know me, right? My husband is an army officer, right? So LOC for us instantly clicks on line of control. ठीक है, अभी अगर हम सब कॉमर्स वाले हैं यार, हमारे लिए IT क्या है? इनकम टैक्स. IT के अलावा और कुछ आता ही नहीं है दिमाग में. IT इज इनकम टैक्स. हैड math students and information technology students been sitting here, they would instantly catch IT as what? Information technology, right? So it's a jargon used differently in both the fields. LOC for medicos, for medical students, is loss of consciousness. In the state of LOC, loss of consciousness. ठीक है, बेहोश हो गया, कोई गिर गया, पढ़ते पढ़ते पूरे दिन आप धड़ाम. So this is loss of consciousness, right? So use differently. These are jargons. हमारे debit, credit, amounts, SI, simple interest जो हम लिखते हैं, balance sheet, financial statements, cash flows, these are all jargons that are used specifically in commerce. आप किसी बाहर वाले को cash flow बोलोगे, उसको time लगेगा समझने में. You tell balance sheet to a software student, to a computer student, he may take time to understand, right? So that is why these are known as jargons. Clear है jargons सबको? नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यू ऑल हैव स्टडीड इन अपना बिजनेस स्टडीज में पढ़ के आए हो सब. कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. बोलो ना, पता है तो. एनीबडी, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस बार बार आते हैं. यस yes, symbolic also. It is more than words. It is continuous, two-way, absolutely. Two-way का दूसरा नाम क्या है? Interpersonal, right? Cyclic also. Two-way is always cyclic, right? Cyclic यानी क्या? Feedback is important. Information goes out and the response is received in terms of feedback. ठीक है, that makes your process cyclic. Also, it is always goal-oriented or purpose-oriented. Communication always has a purpose. Right from when you get up in the morning, आज जब यहाँ आए होगे तब भी बोला होगा ना, मम्मी मुझे सुबह उठा देना, मेरी क्लास है, मुझे जाना है, मुझे नाश्ता दे देना, वॉट एवर. सो ऑल दिस हैज़ अ पर्पज. इंटरैक्शन और एनी कम्युनिकेशन फॉर दैट मैटर मे हैव अ पर्पज. इट कुड बी टू अपडेट, इट कुड बी टू ऑब्टेन सम अदर इन्फॉर्मेशन, इट कुड बी सिंपली टू रिक्रिएट योर सेल्फ फॉर नॉलेज और फॉर मे बी एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज. ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को यार, अपन टीवी भी तो देखते हैं, सब लोग तो देखते हैं, उसमें हाउ इज इन्फॉर्मेशन कंप्लीट? क्या हम हर बार शो, यार तुम्हारा शो बहुत अच्छा था, डू वी कॉल एंड गिव द इन्फॉर्मेशन एवरी टाइम, डू वी गिव द फीडबैक? देन हाउ इज दैट साइक्लिक? एब्सोल्युटली. यूट्यूब पे व्यूज, राइट? टीवी शोज पे TRPs. मास कम्युनिकेशन जब यूज करते हैं, रेडियो एटसेट्रा, न्यूज पेपर, सो सेल ऑफ इट, एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट. सो वॉट इज द सेल्स राइज, राइट? राइज और डिक्लाइन विल एक्चुअली प्रोवाइड यू the statistics on whether the advertisement was a success or not. ठीक है, so communication is always a cyclic process. Feedback may differ. Feedback may be direct or may be indirect. भाई यहाँ पर अगर क्लासरूम का फीडबैक लूँ, भाई हाउ वॉज योर क्लास,
ठीक है. तो यस यू मे रेज योर हैंड एंड यू कम्युनिकेट स्ट्रेट टू मी. यू मे टेल मी कि मैम बहुत अच्छा था या आधा समझ में आया या नहीं समझ में आया. राइट सॉरी फाइव स्टार थैंक यू. सो नाउ इफ हाउ ऑन यूट्यूब अ फीडबैक इज डिसाइडेड. Likes, views, good comments, absolutely. ठीक है. So all of you see, we are not here, we are not ganged up here to get 40 marks in the exam. That's one agenda. More important is to prepare all of you for future where you will all make up to becoming effective managers and effective entrepreneurs. Chartered accountants are not limited to being employees in a firm. They are entrepreneurs, right? They are CFOs, they are CTOs. They are leading global corporations. So, ye cheez samjho. It starts right here at the foundation level. That mindset, you have to become a thinker now. You have to be more creative in your thought process. And it starts where? Everything starts here at communication. Jo BCR sabse sidetrack hai na 40 number ka diya gaya hai. That is perhaps to build you for your future. Theek hai? So, ye ho gaya. Next, jargons ho gaya, nature ho gaya, cyclic humne kar liya. Continuous process. So ongoing concept सबको पता है. You've done in accounts as well. So अपना communication जो है that cannot stop at any level. It is pervasive also and it has to be continuous also to achieve business objectives. ठीक है. Pervasive हो गया. Exchange of ideas and emotions. Transmission is necessary. This is fine. Everybody, चलिए. Next set. Understanding and response. So can anyone quickly tell me, last bench, are you all sleeping? धीरे से सो जाते हैं. चलो. So you will tell me what is the significance of feedback quickly. You please. Yes, significance of feedback. तुम छुप रहे थे ना ऐसे ऐसे करके. ये खा लिया एक झपकी ले लू. हाँ जल्दी से. No one. हाँ okay, that's it. Okay, absolutely, absolutely. So got it. Can you repeat the pointers now please? Can you repeat the pointers? Your friends have said something, right? Mujhe to tumhari bhi awaaz sunai nahi de rahi. You could not hear them. So can anyone please, can you please stand up and repeat the points? Okay. Yes. Clear understanding. Yep. Efficacy of the message, right? Efficacy. How effective was the message? Okay. Whether sender or receiver are on the same platform of understanding. That is what is the purpose of feedback, and that is why feedback makes communication complete. Completeness is only rendered through communication. Now can you repeat all the three points? Yes. Efficacy of the message and completeness of the message. ठीक है. या आई हो सोने किसी को नहीं दूंगी. ठीक है. और जिसने मैक्सिमम आंसर्स दिए उसके लिए एक प्राइज पक्का है. अभी अभी डब्बा रखवा कर आई हूँ. सो डोंट स्लीप इन माई क्लास. ठीक है ना. अदरवाइज खाली खाली जाना पड़ेगा. कुछ समझ में भी नहीं आएगा, प्राइजेस भी नहीं जाएंगे. सेट डाउन. ओके नाउ नेक्स्ट. ये वाला हो गया. अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्स. फीडबैक इज कम्प्लीट. ऑलराइट गाइज. Non verbal component. How important do you think is non verbal component? Anyone, if you have a story related to non verbal component, kabhi aapke sath aisa hua ho jab bina kahe bahut sari baat. I swear paseena tapakne lagta hai na aise aise aise. Ha I swear aise bhi karte hain hum, aise bhi karte hain. Oh aise aise bhi karte hain paper dekh dekh ke. आप लोग ऐसे यार ये ना आपका इधर नहीं चलेगा. सेट भी तो अलग अलग आता है. ये बड़ा जबरदस्त ग्रुप है. ये ना आप सीए एग्जाम्स में दिस वोंट वर्क. देन हाउ डू यू प्लान नाउ. अब क्या करना है. अब ऐसे रहेगा. अब यार वैसे से आवाज नहीं. सीए एग्जाम्स में दिस वोंट वर्क बिकॉज़ बेटा सुन मैं एक बात बता देती तेरे को. अभी कहीं वो पर्ची एग्जामिनर के हाथ लग गई ना, चार साल तक सीए ही नहीं दे पाएगा तू, फाउंडेशन ही नहीं दे पाएगा. डोंट एवर ट्राई दिस. ठीक है.
I'm telling all of you very clearly, blacklist is viewed very seriously by ICAI and they are smart and banning students. वो debar कर देते हैं exam से. So be careful. And genuine अपन चले तो अच्छा है, क्योंकि theoretical answers है कितनी पर्ची बनाएंगे, सीधी सीधी बात है ना. पर्ची बनाना is like out of the talks now. Okay, so let's quickly get to beyond words. Anyone wants to narrate any incidents जब ऐसा कुछ हुआ हो कि भाई वर्ड से ज्यादा आपने समझ लिया हो या आपकी बात किसी ने बिना वर्ड्स के समझ लियो. एनीवन एनीवन पेरेंट्स सो व्हाट यू टेल मी व्हाट डू यू वांट टू से गिव एन इंस्टेंस वेयर योर पेरेंट्स अंडरस्टूड और यू अंडरस्टूड व्हाट योर पेरेंट्स सेड. माय इंसिडेंट ना आई वाज आई टॉक अबाउट लाइक माय फर्स्ट सो माय पेरेंट्स अंडरस्टूड एवरीथिंग लाइक अपने साथ ऐसा नहीं क्यों? Tell me how many times your mom has asked you कि बेटा तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, क्या बात है? नहीं ऐसा नहीं है. Yes, absolutely. Fathers are always, you know, I wouldn't say as a mother of two, I cannot say mothers are lesser contributors, but fathers have the bigger responsibility and which extend actually beyond a mother's responsibility. हम लोगों का क्या होता है ना, हमें अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है हम थोड़ा सा रो वो भी लेते हैं, हम कई बार उसको इमोशनली भी वेंट आउट कर देते हैं, बट फादर्स कैन नेवर डू दैट. Why? Because their responsibility extends beyond. Yes, of course, they have to stand up strong with your moms also. So, ladkon ke saath. Agar aap kuch kiye bhi nahi hai, aap apne samajh raha yahi kiya. So, theek hai na? That is also non-verbal component. Ki teri shakal pe likha tu nahi kiya hai. So, theek hai. Uske liye tum apni shakle thodi theek kar sakte ho. Apne father ke samne aise raha karo, thode puppy faces mein bechara ban ke raha karo. Exactly. So guys, non-verbal component is essentially what all the communication beyond words. ठीक है, और इसके पांच parts हैं. Who can quickly explain five parts of non-verbal component, non-verbal communication? Who can explain? Priyanshi, can you please stand up and give all the five parts? So, body language is one part. Facial expression is part of your body language, right? So give me the five major components of non-verbal communication. Yes. क्यों? क्लास वालों को क्यों याद नहीं है? 1000 बार कर चुके होंगे अब तक. Yes. Aesthetic communication. Appearance, absolutely. What else? Symbols हो गए, symbols हो गए, aesthetic हो गया. What else? Body language. Paralanguage, excellent. Appearance. Please sit down. Guys, ये पांच लिख लो. ठीक है, बार बार questions आते हैं इससे. Beyond words, non-verbal component. What are the major five non-verbal components? ये ध्यान से लिखो. Process of communication हमने कर लिया है. ठीक है. What are the elements in the process of communication? Can I quickly write there? मैं क्या marker लेकर लिख सकती हूँ क्या? बैठ जाती हूँ, उसके बाद बैठना बड़ा मुश्किल है, बट चलो चलेगा. नाउ व्हाट इज नॉइज? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वहां पर अभी अपन आ जाएंगे. नॉन वर्बल अभी डिस्कस करेंगे सेपरेटली. व्हाट इज नॉइज? ओके, सो मेनी ऑफ अस टॉकिंग टुगेदर, सो मेनी ऑफ अस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुगेदर इज व्हाट इज नॉइज, राइट? So essentially noise is what? Physical component of the barrier.
of the hindrance. And what do you mean by hindrance? Anything that disturbs the process of communication, anything that disturbs communication is a noise. Noise is broad term in the process, और एसेंशियली नॉइज जो है वो फिजिकल कॉम्पोनेंट होता है बैरियर का, जब हम बैरियर्स करेंगे अभी डिटेल्स में, ठीक है. नाउ सेंडर कौन है? यस, हु इनिशिएट्स, एब्सोल्युटली हु इंटेंड्स टू कम्युनिकेट, द ओरिजिनेटर ऑफ द आइडिया इज द सेंडर, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एनकोडिंग? कैन एनीवन प्लीज एक्सप्लेन? कैन यू एक्सप्लेन लास्ट? हाँ, आप बता सकते हो. इट्स रिटन ओवर हियर. कैन यू क्विकली गेट टू हेल्प एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय एनकोडिंग? यस, एनकोडिंग इज व्हाट? सी गाइस, एनकोडिंग इज द कन्वर्जन ऑफ आइडिया इनटू द मैसेज विद द हेल्प ऑफ words, symbols, ठीक है, और एनी अदर, यस, और एनी अदर वे इंक्लूडिंग जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, सो दैट द मैसेज कैन बी सेंड टू द रिसीवर, ठीक है. सो मैसेज कैन बी शेयर्ड विद द वन हु ही इंटेंड्स टू शेयर इट विद, ठीक है. प्लीज सिट डाउन. एसेंशियली ये कीवर्ड्स हैं, कन्वर्जन ऑफ आइडिया इनटू द मैसेज विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स, ठीक. एवरीबॉडी, व्हाट इज द कंटेंट? कंटेंट इज द एक्चुअल मैसेज, ठीक है, जो शेयर करना है. एक्चुअली दैट कंटेंट इज नोन एज द मैसेज. जो आपने रेडी कर लिया, या तो आपने लिख लिया, या तो आपने ऐसे ऐसे चढ़ा दिया, या तो आपने करके भाग गया, मतलब वॉट एवर इट कुड बी, ठीक है. इट कुड बी वॉट एवर विच इज इन अ एक्सप्रेसिबल फॉर्म, समथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड नाउ एज द कंटेंट, ठीक. दिस इज डन. अब वॉट इज द चैनल इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस? What do you mean by channel of communication? Yes. Keyword kya hai iske liye? Dekho likha hua hai. Yes. Medium through which the message has to travel to reach the receiver. Theek hai? That is called the channel. And now, who do you think is responsible to choose the channel for communication? Sender. It is always sender's responsibility. Why? Can anyone please tell me? Kyun sender ki responsibility hoti hai? Yes. So sender and receiver must be at the same level of understanding. Yeah, tare zameen pe hum log sabne dekha hai na. So you have seen how this guy asks apna Aamir Khan jata hai uske ghar mein, bolta aap ye Chinese padh ke dikhaiye. ये मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, ये तो चाइनीज में लिखा है. हाँ, सो नहीं, आप कोशिश तो कीजिए. वाई? बिकॉज द रिसीवर एंड द सेंडर आर नॉट एट द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट. पिक्टोग्राफिक वी कैनॉट रीड, वी आर नॉट लर्निड टू रीड पिक्टोग्राफिक. सेम वे दे मे नॉट बी एबल टू रीड आर स्क्रिप्ट, जो हम हिंदी में लिखा है, पंजाबी में लिखा है, बंगाली में लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, यू गिव समथिंग इन राइटिंग, परहैप्स इन बंगाली, टू समबडी हु हैज कम फ्रॉम सम अदर प्लेस, विल दे बी एबल टू रीड इट? नो, राइट. क्यों? लिखे कोशिश तो करो, पढ़ के तो देखो, होगा क्या? नहीं होगा. लैक ऑफ नॉलेज. बिकॉज वाई? बिकॉज रिसीवर एंड सेंडर आर नॉट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो दैट इज सेंडर्स ओनस ऑलवेज. इट इज सेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि रिसीवर का माइंडसेट और रिसीवर का स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता. दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने कर लिया. व्हाट डू यू मीन बाय डिकोडिंग? डिकोडिंग के तीन कीवर्ड्स बताओ फटाफट. कौन बचा है जो आंसर नहीं किया अभी तक? कैन यू आंसर प्लीज? यस, यू. यार अगल बगल देते, खड़े हो जाएगा ना. हाँ, थ्री कीवर्ड्स फॉर अपना डिकोडिंग. डिकोडिंग एज एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. गिव मी थ्री कीवर्ड्स दैट हाईलाइट वर्ड डिकोडिंग, दैट एक्सप्रेस द वर्ड डिकोडिंग. लिखे हुए हैं, देखो. सी, कैन यू रीड? कैन यू बी लाउडर? यस. इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज एंड इन्फरेंस, ड्रॉइंग इन्फरेंसेस. यस, डेसिफरिंग द मैसेज. आई एम गिविंग यू फोर्थ वन ऑल्सो.
ये चारों में से कुछ भी हो सकता है एग्जाम में. यू मे फाइंड एनी ऑफ दीज वर्ड्स. ठीक है, डेसिफरिंग द मैसेज, इंटरप्रेटिंग द मैसेज, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. ठीक है, ये सब में से कुछ भी हो सकता है. ड्रॉइंग इन्फरेंसेस फ्रॉम द मैसेज. ऑलराइट, ऑल आर पार्ट ऑफ. यस, ये सारा लिखो, सारा लिखवाया था मैडम, सारा. यस, सिट डाउन. ये हो गया. एट विच स्टेप कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रिवर्स्ड? ग्रेट. सो हाउ मेनी टाइम्स डज एनकोडिंग एंड डिकोडिंग हैपन इन अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? एवरीवन क्लियर विद टू टू टाइम्स? एनीवन हु थिंक्स इट कैन हैपन थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, टेन टाइम्स? कोई है ऐसा? कैन यू क्विकली एक्सप्लेन व्हेन डज इट हैपन ट्वाइस एंड ट्वाइस? कहाँ कहाँ होता है? ओके, आफ्टर द फीडबैक, है ना. सो द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रिवर्स्ड वेयर? एट फीडबैक लेवल. एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, पुराना क्वेश्चन है. इज कम्युनिकेशन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस? इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है. इट इज नॉट इरिवर्सिबल, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. वेयर डज इट गेट गेट्स रिवर्स्ड? यस, वेरी गुड. ठीक है ना, क्लियर है सब लोगों को ये? सो इसके आंसर्स, क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिकेशन से, कभी स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कम चांसेस हैं. स्ट्रेट आया मतलब इट्स गुड लक, सीधी सीधी बात है. अदरवाइज ट्विक करके देते हैं क्वेश्चंस टू चेक द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द चैप्टर. वेरी सिंपल. ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट. इफेक्टिवनेस हमने कर लिया, फीडबैक. कंप्लीट कम्युनिकेशन साइकिल में कितने बार होता है एनकोडिंग? ट्वाइस, डिकोडिंग ट्वाइस. उड़ा दी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स पूरे हमने वहाँ लिख लिया ऊपर. ठीक है ना. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स के बाद? सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज. ये नीचे लिखा हुआ है, दिस इज नॉट एक्चुअली 26. ये इसका आंसर होना चाहिए था. नॉइज में इंटरफेयर एट एनी पॉइंट. ठीक है ना, 26 वाला देख लो, ये 26 नहीं होना चाहिए था. क्वेश्चन का नंबर वो हो गया है. दिस इज द आंसर, दीज आर द एलिमेंट्स. ठीक, ओके. अब हम लोगों ने बात की है दो कम्युनिकेशन की. बेसिकली जब कम्युनिकेशन की बात करी है तो व्हाट आर द मेजर टाइप्स? कैन एनीवन प्लीज टेल मी द ब्रॉड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? यू नहीं, ये तो बेटा हो गए चैनल्स की. जब बात करें, व्हेन आई से ओके, सो व्हाट आर द ब्रॉड कैटेगरीज अंडर द हेड कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल्स, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन स्टाइल. टू, देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल्स, ये है. बेस्ड ऑन चैनल्स दिख रहा है सब लोगों को दिस पार्ट? इन क्वेश्चन नंबर 27 कैन यू सी चैनल्स, वर्ड चैनल्स? ठीक है, और नेक्स्ट में दिख रहा है देखो पर्पज और स्टाइल. ये दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं. इट कैन बी ईदर कैटेगराइज बेसिस चैनल्स और इट कैन बी कैटेगराइज बेसिस स्टाइल. Can you quickly give me an example of channels wala aur ek example style wala? Kaun de sakta hai? Channel mein sirf verbal hota hai kya? Okay, so now who can quickly explain verbal communication? Jaldi se batao. Anyone, you can raise your hand and then speak. Alright, last bench. So anyone from the last bench here, central row, ye sabse achhi row hoti hai sone ke liye. Yes. Spoken and written both. Why? Why do you consider both written and spoken as verbal communication? Kya keyword hai? How do you explain verbal communication? Because in both we are expressing in terms of words. Yes, that is the keyword. Theek hai? So verbal communication is all about words and language. Any communication that constitutes of words that can be expressed in words, maybe in written or oral form. ठीक है, बाहर कई लोगों को पता नहीं होता. वर्बल इज ऑफन अंडरस्टूड एज स्पोकन ओरल, विच इज अनट्रू, विच इज नॉट ट्रू. वर्बल मीन्स वॉट? बोथ ओरल एंड रिटन. व्हाई? बिकॉज वर्बल इज वट एवर इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, वट एवर इज बाउंड बाय लैंग्वेज एंड अ स्ट्रक्चर. लैंग्वेज मीन्स वॉट? ग्रामर. बिना ग्रामर के लैंग्वेज हो सकती है क्या? मैं वहां जा रही थी, मैं कोलकाता आई हूँ, मैं हूँ आई कोलकाता, हो सकता है? नहीं हो सकता. It will be absurd, right? If any sentence you make and you try to jumble it, you try to extract grammar out of it, it will completely become cheesy. ठीक है ना? तो ये important है. Non-verbal क्या है? Facial expression. Wordless communication. ठीक है? इतना सारा तो नहीं लिख सकते ना? अगर 2 marks से वाले तो शुरू हो गए. And a body, language, gestures, facial. So
तो ऐसे नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स. व्हाट यू मीन बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? एनी कम्युनिकेशन दैट इज वर्डलेस, ठीक है, दैट डज नॉट यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, बेसिकली द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस और शेयर द इंफॉर्मेशन इज वर्डलेस कम्युनिकेशन. नाउ वर्डलेस की वैरायटी है जो अभी आप लोगों ने बोली. वर्डलेस इज ऑफ फाइव टाइप्स, जो पांच टाइप अभी हम लोगों ने किए थे. बॉडी लैंग्वेज विच इज फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिजिकल नॉन वर्बल, ठीक है. फिजिकल नॉन वर्बल में क्या क्या आ जाएगा? फेशियल, ओके, इसको फिजिकल नॉन वर्बल जो है दैट आई वुड वांट टू टेक हियर. मैं इसको एक मिनट यहाँ पर लाए क्या किसी को इसको रोकने के लिए. आई वुड नीड द बोर्ड टू एक्सप्लेन यू. पाँच मिनट. चल सुना है, दो मिनट मेरे को बोर्ड यूज करना है तो उसको ऑफ कर दूं क्या? ये मैं ऑफ बंद कर दूं, आप बोर्ड ऐसे ही यूज कर लो ना हमारे घर से, तो लाइट में ऐसे ही तो ब्लैंक सामने कागज लगा दे. हां वही नहीं, जैसे ये जो स्क्रीन अभी तो ये ब्राइट है ना, तो इसको कुछ करना है क्या? ऑफ करूं? अभी भेजता हूं. हां ठीक है, अभी भेजता हूं. ठीक ठीक ठीक. इसके बाद क्या है? वर्बल नॉन वर्बल विजुअल ऑडियोविजुअल वी आर डूइंग नाउ. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल स्टाइल ये हो गया. व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्ड्स हो गया. फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन कोई बता सकता है? ओरल और रिटन के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, सो हाउ कैन वी डू ये? थोड़ी देर के लिए अगर इसको मुझे बोर्ड अगर यूज करना है तो क्या करो वंश? उसमें ही होगा. सो कैन वी लाइक पॉज इट फॉर सम टाइम? आई कैन यूज द बोर्ड एंड आई कैन रिज्यूम. कैन वी डू दैट? जगह नहीं है ना आउट. आई कांट इवन एड अ स्लाइड. जैसे अनअकैडमी क्लासेस में हम ऐड कर लेते हैं, इसमें तो एडिशन की जगह नहीं है ना. और ये ना पता है इसके साथ ना ये चल नहीं रहा, जैसे ये इतना कंपैटिबल नहीं है ना, तो ये देख बहुत अच्छा चल नहीं रहा है ये. मतलब व्हेन आई एम राइटिंग आई एम नॉट एबल टू राइट फुल्ली. बहुत बढ़िया से एडिट कर लेना तुम लोग बाद में, ठीक है. तो इसको ऐसे हटा दूं क्या? ऐसे ओ नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा ना. कुछ हटा दिया, प्रोजेक्टर वो कर दिया ना शायद से. रुक जाओ, प्रोजेक्टर मत करो, मत करो प्रोजेक्टर, मत करो. नहीं ये प्लस में नहीं है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो फिर. आप ठीक है? अब ठीक है, यू कैन कट इट. ये ठीक है, गुड, काम आ रहा है, राइट. सो इज ओरल कम्युनिकेशन गुड और इट इज बैड? फास्ट है. यस एब्सोल्युटली यस. सो yes for faster interaction, first thing we save time with oral. Yes, instant feedback possible, instant feedback na. Why? Because misunderstanding may not happen. Why? Because instant feedback is possible and it is a direct communication, unlike written. Unlike written jisme shayad time lag sakta hai, it is less complex. It is beneficial for those who have challenges with language and grammar. Bhai koi aisa wo dekha hai? Three idiots mein apan ne dekha hai na, वो बोलते हैं कि क्या व्हेन दीज गाइस गो टू फाइंड रैंचो, शिमला जाते हैं तो पूछते हैं ए इसको पढ़ने नहीं आती, और तो तेरे को बोलने तो आती है ना, मतलब जाके बोल के पूछ उसको. वेरी सिंपल. समबडी हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट कैन आल्सो एक्सेस द इंफॉर्मेशन थ्रू हियरिंग, ठीक है. सो ओरल के एडवांटेजेस ले लिए. नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज?
यस बिगेस्ट इशू इज यू डोंट हैव एनी रिकॉर्ड. ठीक है, तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, रेफरेंस नहीं हो सकता, यू कांट गो बैक इन केस ऑफ कंफ्यूजन. यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इन केस ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और इन केस देयर कैन बी अ चांस वेयर पीपल आर नॉट ऑन द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. Right? In that case, a lot of miscommunication may happen that may not help the situation to achieve the desired results. Is this clear to everyone? Yes. All of you? Advantage, disadvantage, dono likh sakte aap log abhi? Theek hai? Now, same applies to written also. Jaise written may be advantage ho sakti hai, disadvantage ho sakti hai. So, what do you, how do you write the advantages of written communication? हाँ रिकॉर्ड रहेगा. ठीक है, फॉर्मल होता है, क्लियर होता है. ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग इज आल्सो पॉसिबल. एंड व्हाट यस एज मेनी टाइम्स यू वांट टू रेफर यू कैन ऑब्टेन अ रेफरेंस ऑफ इट. डिकोड करने में आसान है, बोथ द पार्टीज आर एट द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट कैन इजीली बी डिकोडेड एंड कैन बी रेफर्ड एज मेनी टाइम्स यू वांट. ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिले इन डिसीजन. सबसे बड़ा प्रॉब्लम देयर इज अ सटल लैक ऑफ व्हाट ऑफ नॉन वर्बल कंपोनेंट. कई बार लिखा हुआ जैसे कई बार ऐसा नहीं होता, चिढ़ आती है फ्रेंड्स के साथ, हम लिख देते हैं मेरा परसों ही झगड़ा हुआ था हस्बैंड के साथ, तो ठीक है यार जाओ. आई डोंट मीन टू से दैट राइट, आई डोंट वॉन्ट हिम टू लीव, बट देन आई सेड कि जाओ. क्या कर सकते हो, दिस हैपेंस ऑल द वाइल बिटवीन फ्रेंड्स, बिटवीन सिस्टर्स, बिटवीन सिबलिंग्स, राइट? वी राइट व्हाट वी डोंट मीन, परहैप्स विद एन एक्सपेक्टेशन दैट द रिसीवर और द सामने वाला पार्टी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग, बट मोर ऑफन देन नॉट द मीनिंग इज नॉट अंडरस्टूड. होता है ना कई बार? यस एब्सोल्युटली. सो दैट इज अ मेजर इशू. एक तो कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरी चीज ये होती है अंडरस्टैंडिंग मे नॉट बी मे बी डिस्टर्ब बिकॉज पीपल आर नॉट एट द सेम लेवल. सो ये सारी चीजें रिटन कम्युनिकेशन के साथ में प्रॉब्लम हैं, ये सारी चैलेंजेस जो है ये आते हैं. ठीक है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर पीपल हु डू नॉट हैव द फेयर नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड जर्गन्स. क्लियर? एब्सोल्युटली. अच्छा, यस Yes. Good. Okay, good. So, good, good, good. बहुत सारी different. आमिर खान वर्ड, आमिर खान वर्ड, आमिर Yes, different ways. Absolutely. So, fair idea. ठीक है ना? Visual क्या है? फटाफट. Anybody who can explain visual communication? जल्दी से. Sorry? यस यहाँ पर विजुअल्स जो है ना एसेंशियली ये विजुअल एड्स के लिए रेफर होता है. जैसे कैसे? एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सीन. सो बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सॉरी, पेंटिंग्स जो आती है ना बेटा, पेंटिंग्स नॉन वर्बल के एस्थेटिक कंपोनेंट में आती है. यहाँ पर हम एसेंशियली आर्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहे, आर्ट फॉर्म गोज टू एस्थेटिक्स. Is everyone clear on this? ये ध्यान रखना. देखो आर्ट फॉर्म जो होता है ना, आर्ट फॉर्म एस्थेटिक्स में जाता है. जैसे वो डांसर्स को देखा है ऐसे ऐसे, वो जो कथकली वगैरह करते हैं ना, ओडिसी है, कोई ओडिसा से आया है ना, somebody said I'm Odisha. So ओडिसी डांसर्स एक्सप्रेस एवरीथिंग. यस, दे एक्सप्रेस एवरीथिंग थ्रू देयर फेशियल एक्सप्रेशन. ना सो सॉरी, मोनो एक्टिंग ऑल्सो. सो इफ यू से फॉर एग्जाम्पल चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन्स, ये सब भी अगर आप देखते हो, so they express everything in the art, that is an art form. mimicry ho gayi kisi ki, ya fir koi aapka expression aisa hai jo aap bina bole karte ho, which is like a mono acting. so that is yes, sign language. news dekha hai kabhi? wo aise aise karke news aise bata. sorry, raps and patches. essentially visuals mein kya aata hai? visuals mein fragile and things on the cardboard, that is what, batao jaldi se. Yes, क्योंकि कांच का ग्लास बना हुआ है उसमें. एंड इट सेज फ्रेजाइल मींस व्हाट? यू अंडरस्टैंड देयर इज ग्लास इनसाइड. नॉन वर्बल में ही आता है साइन लैंग्वेज, वर्डलेस है ना.
विजुअल में नहीं, वही बता रही हूँ तुम्हें, विजुअल में नहीं आएगा. विजुअल में क्या आता है बेटा, मोर इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. विजुअल्स आर एसेंशियली द विजुअल हेड्स दैट आर यूटिलाइज फॉर ऑफिस प्रेजेंटेशंस. दीज आर द विजुअल एड्स दैट वी यूज फॉर ऑफिस प्रेजेंटेशंस मोस्टली. यस एब्सोल्युटली. बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स, ऐसे वाला, ये सब लोग ने देखा है ना. यूल हटा लो उसको. ये वाला जो है ये सब ने देखा है ना, दिस काइंड ऑफ लाइन डायग्राम, ये ऐसे स्टॉक मार्केट वाला सब ने देखा होगा. हॉस्पिटल्स में भी देखा अपन ने ऐसे, वो ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे होता रहता है. फिर जब वैसे स्ट्रेट लाइन हो गया तो टोन, नाउ यू नो कि भैया गया है ना. सो यस, सो दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज ऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इन फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड वी ड्रॉ इन्फरेंसेस फ्रॉम दीज. ठीक है, विजुअल में एसेंशियली आता है ऑल द विजुअल एड्स इन फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, ग्राफिक्स एटसेट्रा विच आर यूज इन ऑफिस प्रेजेंटेशन. ठीक है, ट्रैफिक लाइट कैन बी एन एग्जाम्पल, देख के हम परसीव करते हैं ना, सो दैट इज अ विजुअल एड. ठीक, जबकि कलर्स जो हैं वो विजुअल में भी आ सकते हैं, सिंबल्स में भी आ सकते हैं. कलर्स जो हैं वो दोनों में हम लिख सकते हैं, विजुअल्स में भी एंड सिंबल्स में भी. हाउ कैन यू एक्सप्लेन कलर्स अंडर सिंबल्स? एनी वन फ्रॉम द लास्ट बेंच, एनी वन फ्रॉम द सेकेंड लास्ट बेंच एंड लास्ट बेंच? एग्जाम्पल, ट्रैफिक सिग्नल खाली लिख दोगे क्या एग्जाम में? ओके, ठीक है. रेड इज ऑल्सो फॉर लव, डेंजरस बॉय. चलो यस, सो डेंजर ऑल्सो. सीधी सीधी बात है, जैसे ऋतिक ने, तुम्हें ने दिया था ना अकेली को फ्लावर. ओके, सो ऋतिक ने मेरे क्लासेस में कई बार दिया है, राइट? अ लॉट ऑफ बॉयज हैव गिवन इट टू हर. एनीवेज, सो जो भी है, अगर वाइट दिया वैलेंटाइंस डे के दिन, या समझ लो रोज डे के दिन, यार आपने वाइट दिया तो उसने ले लिया, आपने येलो दिया, पिंक दिया, वो भी उसने ले लिया, अब रेड दिया तो छिड़ गई, क्या है, पीछे ही पड़ गया, क्या है, व्हाट इज द इशू, व्हाई? येलो तक भी ले लिया, लेकिन यार रेड नहीं, यार रेड नहीं, बहुत हो गया, ये अगले साल भी सोच सकता था तू, एक ही साथ सारे दे दे रहा है. अंडरस्टूड व्हाई? बिकॉज एवरी, यस, एवरी कलर हैज गॉट अ रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस, नो? एवरी अकेली भाग गई थी फाइनली, शी वाज फेड अप ऑफ द बॉयज इन माय क्लासरूम. एनीवेज, सो वो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज एवरी कलर इज गॉट अ सिग्निफिकेंस. जैसे रेड देखिए, किसी की डेथ पे जो हम चढ़ाते हैं, जो गोल सा होता है, इट इज यूजुअली वाइट और क्रीम कलर फ्लावर्स, राइट? व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर पीस, एब्सोल्युटली. ठीक है, तो इन सारी चीजों का रेलेवेंस, और ये उनको पूछा, यू आर, व्हाट्स योर नेम? ओम. हाँ ओम, बताओ. ड्रेस कोड इज द वर्ड. ठीक है, सो हाउ यू अपियर इन फ्रंट ऑफ अदर्स, स्पेशली हाउ यू लुक और हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू देम, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ योर अपियरेंस. तो अपियरेंस में ही लिखना है, योर ड्रेस कोड, यस, योर ड्रेस कोड, योर हाइजीन, और हाउ यू अपियर इन फ्रंट ऑफ अदर्स, हाउ यू पुट योरसेल्फ एज अ फर्स्ट इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ अदर्स. ठीक है, हाउ यू पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स एज अ फर्स्ट इंप्रेशन, इवन बिफोर समवन अटर्स अ वर्ड, योर अपियरेंस helps you to actually form an impression. Yes, body language. But appearance में सबसे ज़्यादा, अब body language तो तब होगी ना, जैसे अब आप नीचे देख करके कुछ लिख रहे हो. ठीक है, भोला प्रसाद is damn interest. He's like all, you know, head over heels. कि why यार, how pretty, how beautiful, how, why? He hasn't seen anything as yet. Your maybe performance in the classroom, or you speaking in front of everyone, or you doing some act per se. How and why? It's the first appearance that either suits somebody or disturbs somebody. Last impression, absolutely. That is how, that is the source from where this statement actually comes. कि भाई first impression is the, ये ऐसे होता है ना, एक idiom भी आता है, clothes often proclaim the man. सुने? Clothes often proclaim the man. क्यों आते हैं? क्या जरूरत है यार? वो रिन सफेदी की चमकार है ना, सफेद चमकने चाहिए. Don't judge a book by its cover. Why all these
idioms are used so often. वहीं से आते हैं, ठीक है. फर्स्ट इम्प्रेशन, इम्प्रेशन वहीं से आता है ना, कि भाई वाइट क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स, हाइजीनिक रहो. वाई, क्यों नहीं ऐसे, कहाँ है ऋतिक के, उठा दो क्या ऐसे, किसी के बाल है लंबे लंबे, हाँ ऐसे कर दिए जाए थोड़े, और ऐसे जैसे जेडी सर की, शान सर की, ऐसे कर दिए थोड़ा और खींच दिया जाए, थोड़े ऐसे रेड कलर के बाल ऐसे खड़े कर दिए जाए, हाउ विल इट बी, इसके और खड़े कर दे नहीं इनके सब हो जाएंगे. अभी आर्टिकल शिप तक जाते जाते टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना मेंटेन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा. तो देन वाई, वाई इज दैट इम्पॉर्टेंट यार, आप ये बताओ मेरे को, जब ऑफिस जाते हो, जैसे मान लो आर्टिकल शिप के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है, सो वॉट वुड यू प्रेफर टू वियर, शेरवानी? नहीं यार, शेरवानी पहन के जाओ, यू लुक सो गुड वेयरिंग अ शेरवानी, नो वेयर अ शेरवानी एंड गो. You'll be selected. You think you go wear a sherwani? You are here. I am late. I have to go out from my friend's wedding. और बॉस छोड़ देगा तुझे, बॉस की बेटी को ले लेगा. बेटा आर्टिकल शिप तो भूल जा, गायब ही ना हो जाएगा, ये कहाँ चला गया. So very simple. Dress code is going to define the first impression for you. और क्या होता है ना, dress code जब हम formals की बात करते हैं, फॉर्मल से क्या आता है, क्यों पहनना है यार फॉर्मल कपड़े, मतलब क्यों पहनने हो, व्हाई आर यू बिहाइंड अस, क्या होता है फॉर्मल ड्रेस पहनने से. सॉरी, लाउडर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा नहीं तो, मतलब यार फिर तो तुम निक्कर और वेस्ट पहन के चले जाओ क्लास. ओके, ये सब पॉइंट्स ठीक लग रहे हैं क्या? आर ऑल दीज पॉइंट्स गुड, वैलिड? सॉरी, नॉट 100% राइट. सो व्हाट डू यू थिंक हैपेंस व्हेन यू वेयर अ फॉर्मल ड्रेस? तुम्हें अगर मुझे कोई काम देने से, फॉर एग्जांपल, यू नो दैट आई एम हायरिंग आर्टिकल्स इन माय फर्म, ठीक है, एंड यू हैव टू कम फॉर एन इंटरव्यू. So coming for an interview means what? You want to get selected? ऐसा भी होता है कि भाई select नहीं होना फिर भी चले जाते हैं. Who wastes time? भाई आना है तभी तो आए हो ना आप. So what would you prefer to wear? A formal or a jeans or maybe a denims or your t-shirt? क्या पहनोगे आप? क्यों? Impression. One second. Impression. Reflects confidence. Ma'am, the dress code should suit the type of work on the place we are going. A code of conduct से match होना चाहिए. इनके आगे वाले में से कोई बोल सकते हैं, कैन यू टॉक अबाउट इट प्लीज? यस, यार डीसेंट तो सब है यार, ऐसे क्या है, डीसेंसी तो ठीक है. यस, देखो भाई, अगर शाहरुख खान आ जाते हैं सामने यहाँ पर, मे बी इवन इफ इज नॉट वेयरिंग अ ब्लेजर और मे बी अ सूट और अ टाई, ही वेयर्स अ धोती और मे बी अ सैक और मे बी अ गमछा, दैट इज ऑल्सो अ स्टाइल. फिर आप हमें क्यों बोल रहे हो यार फॉर्मल्स पहनने के लिए? Why do you think formals are important for us? I can also wear something like Ranbir Singh, na? Maybe वैसा लहंगा या JD, मैं तो पहन ही सकती हूँ, जतिन को अपन पहना दे. Will it be suitable for his style? Yes. When he is a teacher? मैं जतिन को बना देती हूँ, फीडबैक बहुत अच्छा है भाई, ट्राई कर ले. खैर, तो चलो, why it happens is because these people I'm referring to, maybe Ranbir का, sorry, who is he? Ranbir Singh. Singh. Sorry, यार मैंने गड़बड़ कर दिया बेचारे. तो ये, और फिर अपना जिसकी भी हम बात कर रहे थे, शाहरुख खान और मे बी एनी अदर एक्टर फॉर दैट मैटर, दे बिलोंग टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट? सो इन एंटरटेनमेंट, व्हेन दे आर एंटरटेनर्स, दे कैन वेयर व्हाट एवर दे वांट एंड दैट विल बी एक्सेप्टेबल. रादर इट मे ऐड मोर चार्म और TRP मे बी हाई, जहाँ पर भी, यस, वो तो फैशन बन जाएगा, दे आर, यस, वो ट्रेंडिंग में चला जाएगा, दे विल बी फैशन आइकॉन्स. सो दैट बिकॉज वाई, बिकॉज वो रिलायबिलिटी फैक्टर उनका ऑलरेडी हाई है. क्या हम वही कर सकते हैं? वट इफ आई वेयर समथिंग विच इज लाइक, यू नो, विच इज मोर फंकी और विच इज, विच लुक्स मोर ट्रेडिशनल. ये पता है होता है कई बार. वंस आई हैड गॉन टू द ऑफिस, कुछ घर में फेस्टिवल था, तो साड़ी बिंदी लगा कर मैं ऑफिस गई थी. हाँ, एक रिव्यू के लिए बुलाया था कि मैम साइन करना है, रिव्यू चाहिए. सो वी वर ऑब्जर्विंग अ फेस्टिवल एट होम, सो आई वेंट द सेम वे, सेड आई विल कम बैक इन 1 आवर. तो साइन के लिए आया था ना, वो कहता है सांप कहाँ है. सो माय टीम वाज लाइक, मतलब कि एक ने आके उसको चुप कराया कि अरे मैडम ही करेंगे, तो वो ऐसे मुझे देख रहा था कि अच्छा मैडम ही साइन करेंगे, मतलब व्हाई दे कुड नॉट एक्सेप्ट.
why they could not absorb? Perhaps because I was in a more traditional attire than expected. Expectation is that of reliability, is that of credibility, and that is reflected by the attire. ठीक है, मेरा फर्स्ट जो इम्प्रेशन आएगा कि हाँ यार ये बच्चे को मुझे मैं दे सकती हूँ, आई कैन हैव हिम एज एन आर्टिकल. वाई? इफ यू प्रोवाइड मी सम काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस इन योर पर्सनैलिटी, है कि नहीं? फर्स्ट थिंग, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? फर्स्ट थिंग इज योर अपियरेंस. ठीक है, यू आर नीटली ड्रेस्ड, हाँ, वेल कट योर हेयर एटसेट्रा, हेयर स्टाइल एटसेट्रा. अब लड़कियाँ हैं, कोई रेड कलर का लिपस्टिक लगाया, बाल ऐसे, हाँ, रेड क्लिप लगाया हुआ, यू आर वेयरिंग लॉट ऑफ, वो देखा है क्या वो दैट मूवी, कौन सी मूवी है जिसमें वो 2-3 किलो सोना पहने रहती है, दैट अक्षय कुमार मूवी जिसमें चोर होता है ना वो सब? नहीं, राउडी राठौर. So how would it be? I mean, if somebody is dressed like that, would you think it will be acceptable in such classroom kind of a structure? आपको odd लगेगा? क्यों odd लगेगा? Why do you think you'll feel odd if somebody is dressed so heavily or loudly and sitting next to you? Would you feel odd about it? It doesn't suit. Yes, absolutely, because it doesn't suit the environment. It doesn't suit the requirements. Sorry. सेल्फी मटेरियल से भी ज़्यादा हो गया. वाई? बिकॉज यू डोंट बिलोंग हियर. ठीक है, वी एज प्रोफेशनल्स, स्पेशली पीपल फ्रॉम फाइनेंस, कंसल्टिंग, ठीक है, लॉ, टैक्सेस, वी आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन. एट द सेम टाइम दिस इज अ प्रोफेशन दैट प्योरली वर्क्स ऑन बेसिस ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट कहाँ से आता है? कोई तुम्हें क्यों ट्रस्ट करे? फर्स्ट थिंग. एग्जैक्टली, सो दैट इज द आइडिया. इसीलिए बात है कि कलर्ड हेयर क्यों नहीं करके? यार जो इंस्टा वाली प्रोफाइल है वो ही प्रोफाइल आप लिंक्डइन पे लगाते हो क्या? कभी भी नहीं करते. उदित नोज दैट, राइट? तो वो नहीं कर सकते हम. वी कैन नॉट, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इज कि आप हमें ट्रस्ट करो. सिंपल सी बात है. ठीक है, सो दिस इज क्लियर. अपीयरेंस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ड्रेस कोड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर्मल अटायरिंग हेल्प्स गेन मोर क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एंड वी कम अक्रॉस एज डिसिप्लिन एंड मोर ट्रस्टवर्थी. सिंपल सी बात है, विच इज मच रिक्वायर्ड फॉर आर प्रोफेशन, स्पेशली इन द स्ट्रिक्टर डोमेन्स लाइक कंसल्टिंग, फाइनेंस, लॉ, लीगल, टैक्सेस, ऑडिट एटसेट्रा. ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ऑडियो विजुअल तो पता है ना सबको? ऑडियो विजुअल, मूवीज, थिएटर, यूट्यूब, अन अकेडमी, ऑल दीज, जहां सुनाई और दिखाई साथ में दे रहा है. Absolutely, most powerful because humans are always influenced by voice and visuals at the same time. फिर वो मम्मी लोग रोते होते मेरे बिग बॉस देख के और ऐसे सीरियल मूवीज देख के भी रोते हैं बहुत सारे. अनुपमा, अच्छा, इट्स दैट OTT में जो आता है अनुपमा, राइट? हाँ, सो आई हैवंट सीन वन, बट तो सब लोग, ऑल ऑफ यू आर अवेयर. कोई लड़कियाँ भी रोती होंगी कोई हीरो का, कोई इन पर्टिकुलर सम एक्टर एक्ट्रेस देख के लगता है ऐसे इमोशनल. Always happens, right? So this is the impact of audio visual. यार सिंपल सी बात है, अगर कोई अपने एडवर्टीजमेंट्स हैं जैसे कि वो ना, ए बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, लाइफ बॉय, सो आपको अगर वो न्यूज पेपर में दिखाया जाए तो सेम इम्पैक्ट होगा क्या? वी वॉन्ट बी एबल टू परसीव इट, राइट? ओनली वेन इट इज शोन, ए बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या. हाँ, सॉरी, MDH का गर्म मसाला. यस, जब तक बूढ़े बाबा जी को देखो ना तब तक वो फील नहीं आता, राइट? So this is what happens with audio visual communication. ठीक है, audio visual के बाद next, purpose और style हमने कर लिया, formal and informal. Formal is bound by structure, informal is bound by social needs, it is casual in nature, more friendly. ठीक है, next, verbal communication. क्या है verbal communication? वो भी कर लिया. Features of oral communication, ये भी कर लिया. Next, written के limitations कर लिए. Non-verbal, wordless, from here, from the back bench. Is non-verbal communication universal? Why? He is saying yes, you are saying no. Yes. But you like to answer. आपने yes क्यों बोला वो बोलो, फिर इन्होंने no बोला, right? ठीक है, दिस इज अ फेयर आंसर. व्हाई वुड यू से यस? यस यस यस, इनको ट्राई करने दो, ट्राई करो, सब लोगों को देना एग्जाम, ट्राई करो. सिंपल के
की बात नहीं हो रही बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच इज वर्डलेस. टू से फॉर एग्जाम्पल वाइल स्पीकिंग और वेन वी टॉक अबाउट द बॉडी लैंग्वेज, यू थिंक इट इज सेम अक्रॉस द ग्लोब? इट डिफर्स. सी दिस माय चिल्ड्रन, दिस हैज अ सब्जेक्टिव आंसर. इट इज सेम फॉर बेसिक एक्सप्रेशंस एज यू सेड, जैसे somebody who's sad, somebody who's happy, somebody who's disgusted. So there are universal expressions for it. जैसे डांस फॉर्म्स जो होते हैं वो कोई भी समझ सकता है, कोई भी. You don't need to be a national of a particular country or you need not have a particular ethnic origin to understand any kind of dance form. यहाँ आप लोग जात्रा देखते हो ना, जो कोलकाता वाले हैं, तो यात्रा होता है दुर्गा पूजा में ना, लाइक यात्रा, दुर्गा माँ का जो यात्रा होता है, दैट इज परफॉर्म्ड एज यात्रा. तो उस वो देखिए, सिर्फ हम म्यूजिक से ही समझ जाते हैं द मूवमेंट, नो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज बीइंग प्रोजेक्टेड. तो यूनिवर्सल यस, क्योंकि बहुत सारे जो बेसिक एक्सप्रेशन होते हैं वो हर जगह एक ही होते हैं. बट एज शी सेड कि भाई देर आर मेनी थिंग्स दैट आर डिफाइंड बाय डेमोग्राफी, रीजन, ज्योग्राफी, एंड दैट इज वेयर पीपल मे interact differently when it comes to non-verbal communication. जैसे for example, sit. For example, बर्मा में एक पुराने राजा हुआ करते थे. बर्मा में अगर मैं बार बार ना ऐसे करूँ, कोई यहाँ पर वैसे बर्मीज तो कौन ही होगा, बर्मा से तो कोई नहीं होगा, बट इफ आई डू लाइक दिस, अब तुमको अजीब नहीं लगेगा ये बैठे बैठे ये क्या हो रहा है? सो इन बर्मा ऑल्सो इन सम पार्ट ऑफ तिब्बत क्या होते हैं, लोग जब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जैसे अपन ऐसे करते हैं ना दूर से निकलते हैं, तो फिर हाथ कैसे हैं, तो अपन दूर से हाथ नहीं दिखाते ऐसे करके, दूर से अड़ोसी पड़ोसियों को ऐसे. तो यहाँ पे लोग ऐसे जीभ दिखाते हैं, वेरी स्ट्रेंज. बोलो वाई यार, ये क्या तरीका है ग्रीट करने का? तो एक हाँ, हाई करने के लिए, हेलो बोलने के लिए, यू नो द आइडिया बिहाइंड दैट. इट वॉज अ किंग, ओके डोंट बी सो पजल्ड, आई एम गिविंग यू द आइडिया. क्या हुआ था, इट वॉज दिस किंग कॉल्ड लॉन्गडर्मा. तो ही वॉज सपोजिटली मतलब ही वॉज परसीव टू हैव अ ब्लैक टंग, कि उसकी जबान काली थी, सपोजिटली अ टायरेंट. तो वो लोग मतलब जब वो चले गए, जब वो ख़त्म हो गए, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हम उनके एंसेस्टर नहीं हैं, ये दिखाने के लिए लोग अपनी जीभ दिखाते थे कि देखो मेरी जीभ काली नहीं है. सो दैट बिकेम अ ट्रेडिशन ऑफ ग्रीटिंग ईच अदर इन द कॉर्नर्स. इफ समबडी शोज यू देयर टंग, परहैप्स द ग्रीटिंग यू, दे आर नॉट ऑफेंडिंग यू बाय टीजिंग यू. ठीक है, सो सच कल्चर्स दे प्रिवेल इन सेपरेट डिफरेंट सो मेनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब. तो जो हमें कुछ मालूम है, कुछ हमें नहीं मालूम है, एंड दैट इज हाउ थिंग्स हैव टू बी परसीव्ड एज पर द रीजन और एज पर द ज्योग्राफी और एज पर द कॉमन और जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ इट. ठीक है, तो नॉन वर्बल में बहुत सारे ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं, क्योंकि ये वर्डलेस है, ये बहुत सारे इसमें ना ओवरलैप्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी केसेस. और ये सब ना लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में भी आते हैं. भाई मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तभी तो मुझे नहीं समझ में आया ना. कुछ ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कभी किसी से ऐसे बातचीत हुई, हैव यू एवर स्पोकन विथ एनीवन जिसकी आपको बातें समझ में ना आई हो बिकॉज दे वर स्पीकिंग फास्ट और दे वर स्पीकिंग इन अ पर्टिकुलर एक्सेंट? ऐसा हुआ है कभी आपके कोई कजिन्स वगैरह हैं जो यूएसए में रहते हैं या फिर इंग्लैंड में रहते हैं या फिर सम अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब? एब्सोल्युटली गाइस, कोई सिमेंटिक बैरियर डिफाइन कर सकता है? मैंने सुबह भी पूछा था, कैन एनी ऑफ यू प्लीज डिफाइन सिमेंटिक बैरियर? Yes. Semantic has got. Can you explain semantic barrier? हाँ जी, अच्छे से नींद ले ली तो बताओ. Semantic barrier क्या होता है? You don't know? अच्छा, अच्छा. Non-verbal में we are referring to semantic barrier. What do you think? Non-verbal components important होते हैं? ये तो हम लोगों ने देख लिया. पोस्चर की बात कर ली, जेस्चर्स की बात कर ली, और हम जेस्चर्स की ही बात कर रहे थे जब मैंने तुमसे कहा सिमेंटिक की भी बात बताओ, राइट? मॉर्निंग में मैंने कहा था लैंग्वेज बैरियर. तो कैन लैंग्वेज बी साइन लैंग्वेज आल्सो? कैन लैंग्वेज बी थ्रू जेस्चर्स आल्सो, बी डिलीवर थ्रू जेस्चर्स आल्सो? यस, ऐसे ऐसे जैसे अपने यहाँ होता है, दिस इज ऑल द बेस्ट. कभी देखा है ठेंगा ऐसा देखा है? कभी देखा है किसी को बोलते हुए? अ लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री they use to show this thumb, कि कुछ नहीं, खाली ठेंगा, right?
ये क्या है, दिस इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो अ सिमेंटिक बैरियर. सिमेंटिक इज एसेंशियली द गैप इन लैंग्वेज, गैप इन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं गाइस. सिनेमा टीवी ये हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया. What do you mean by non-verbal communication? How is it important? Can anyone please tell me यार करना ही क्यों है यार, हटाओ ना non-verbal communication. करना ही क्यों है non-verbal communication? छोड़ो ना फिर. Why is it important? Not time consuming. नहीं फिर मैं ऐसे पढ़ाती हूँ ना. What is non-verbal communication? Why is it important? Non-verbal always aids verbal communication. अगर non-verbal component हटा देंगे ना तो verbal will become expressionless. Non-verbal always aids. जैसे किसी को बोला शाबाश, एक आदमी शाबाश, so it adds that you know that element of emphasis. ठीक है, feeling, yes absolutely, emotions. अभी जैसे हम लोगों ने कहा था ना good. So all this is what? So the non-verbal component has added another meaning or another angle to it. So ye point important hai, red mein likha hua hai, dhyan se dekh lo. Non-verbal jo hai, it always aids, emphasizes or modulates the verbal communication. Theek hai, main sarcastically bol raha hu yahan par. So liye neend khul gayi, welcome to class. So tumhe samajh mein aa jayega yaar ye sarcastic tha. Bahut simply samajh mein aa jayega. Yes. अच्छा बेटा तबीयत तो ठीक है ना, उठ गए, आर यू फीलिंग ऑल राइट नाउ, दिस इज सीरियस टोन. ठीक है, क्लियर है सबको. चलो अब कैन एनीवन क्विकली एक्सप्लेन व्हाट इज 55-38-7 रूल. 55-38-7 रूल फटाफट. 55-38-7 रूल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट साइलेंस को हटाते, जो जब यहाँ बैठू तो हटा दे. थैंक यू. सो नाउ दिस इज डन. कोई बता सकते हैं ऊपर वाले तीनों, साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स, साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स, ये सब ICAI के क्वेश्चंस हैं. एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज. साइलेंस जो है वो गोल्डन कब होता है, अच्छा कब होता है साइलेंस, जब वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए है. जैसे कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, अब इसमें अगर साइलेंस मेंटेन हो जाए तो जल्दी हम रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे. ठीक है ना, जल्दी हम किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगे. अगर डिबेट होता रहेगा तो क्या होगा, नहीं आएगा, डिलेड डिसीजन मेकिंग हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज वन पार्ट. साइलेंस कैन बी गोल्डन व्हेन इट हेल्प्स टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग. ठीक है, व्हेन इट हेल्प्स इन लिसनिंग. अगर कोई स्पीकर है आप लिसनिंग ही नहीं कर रहे हो, मैं लगातार बोलती जाऊँ, मुझे सुननी नहीं तुम्हारी बात, तुम ही मेरी सुनो. Will I be a good listener then in that case? No, I'm not a good listener because I'm not listening at all. Right? So, यहाँ पर silence golden होता है when it supports the speaker, when it supports the communication and decision making. ठीक है everyone? कहाँ पर golden नहीं होता? जब बोलने और मैं बोलूँ. Anger, hesitation, shyness. All these are the bad forms of silence. क्लियर है. सो साइलेंस मे बी गोल्डन मे नॉट बी गोल्डन. साइलेंस एज अ रिस्पॉन्स. अच्छा एक बात बताओ, नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स. एवरी वन, कोने कोने तक क्या जा रहा है रिस्पॉन्स. नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स दैट यू आर नॉट अटेंटिव एट ऑल. और क्या, हमने तो हमें मतलब ही नहीं, हमें सुना ही नहीं, इनको तो आदत ही है क्लास में आज ही हाँ मिल गए हम तो सामने के सामने. नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स. करेक्ट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स. Why true? Why true? Yes. Example. कुछ भी, जैसे भी तुम चाहो explain करना. Why non-response is also a response? Yeah. For example, A says to B, you do not deny it, I should respect the horse's side. का सिंपल आंसर है नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स. राइट, सो रिस्पॉन्स मेक्स द कम्युनिकेशन कंप्लीट. नो रिस्पॉन्स मे डिले द कम्युनिकेशन, इट मे डिले द प्रोसेस, इट मे मीन दैट समबडी स्ट्रेचिंग द कम्युनिकेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. राइट, समटाइम्स इट मे मीन एंगर,
it may be perceived in different ways, which may not be the intention of the response, right? So that is why no response. Agar yaar aap kisi se lagatar puch rahe ho, kya tum mere dost banoge, kya tum mere saath bahar chalogi, aur agli kabhi cold shoulder de deti hai har baar, yaar I'm not even interested talking to you. So after 4-5 times, will you not understand that she's not interested, or maybe he's not interested in me? समझ में आ जाएगा ना? हाँ, नो रिस्पॉन्स है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं तो ना बोल ही नहीं रही हूँ, बट आप रिप्लाई भी तो नहीं कर रहे हो, आप हाँ भी तो नहीं बोल रहे हो, एग्जैक्टली. सो दैट इज हाउ नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स नॉट. इसीलिए ऑफिस ईमेल्स हो गए, ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, इवन इफ यू हैव टू से नो, मेक श्योर यू डू इट इन सेम टाइम फ्रेम एज यू वुड राइट अ येस. रिस्पॉन्डिंग इज इम्पॉर्टेंट, रिस्पॉन्डिंग कम्प्लीट्स द लूप. क्लियर है ना सब लोग को? लिख लोगे इसका आंसर? चलो ग्रेट. टाइम एज एन इंडिकेटर. टाइम क्या होता है? एग्जाम हो गया, टाइम इज अ हीलर, टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टाइम बाउंड एक्टिविटीज होती हैं, सब टाइम इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर. स्पेस क्या होता है? स्पेस एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. स्पेस, स्पेस क्राफ्ट में बैठो, उड़ जाओ. स्पेस, व्हाट इज स्पेस? एनीवन फ्रॉम दिस रो, अपना लेफ्ट रो से कोई, एनीबडी? स्पेस एज कम्युनिकेशन, स्पेस एज इंडिकेटर ऑफ कम्युनिकेशन. स्पेस कंप्लीट, यस एब्सोल्युटली. कंसाइज, कंक्रीट हो गया. कर्टसी, कर्टसी, ठीक है, कर्टसी अलोंग विद कंसिडरेशन, ठीक है ना. चलो जी, सो ये सारे इसमें ना पूरे के पूरे वो लिखे हुए हैं जो कीवर्ड्स आंसर में डालने हैं अपने को, 7 C's के, ठीक है. कंक्रीट, कंक्रीट फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ, ठीक है, प्रूफ के साथ. कंक्रीट और कंप्लीट में क्या फ़र्क है? कंप्लीट भी तो वही होता है, कंप्लीट में क्या फ़र्क है फिर? कंप्लीट इज फुल डिटेल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसीवर. जब आप रिसीवर को बोलते हो ना, रिसीवर शुड बी एबल टू टेक एन एक्शन, तभी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, तब ले सकता है रिसीवर एक्शन. कंक्रीट हो सकती है, जरूरी नहीं कंप्लीट हो. प्रूफ, एविडेंस, स्टैटिस्टिक्स, टैंजिबल प्रूफ, ठीक है, विजिबल प्रूफ, ठीक. सो दिस इज द आइडिया. नेटवर्क्स ऑफ, व्हाट यू मीन बाय नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, कोई बता सकते हैं क्या फ्रॉम दैट रो? लड़कों में से कोई, नेटवर्क क्या होता है? पैटर्न इन विच कम्युनिकेशन फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. चेन इज द टाइप ऑफ नेटवर्क. नेटवर्क इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? ब्रॉडली 5 types, है ना. चेन नेटवर्क सबसे रिजिड नेटवर्क, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. इसके अलावा और क्या होता है? फर्स्ट वाला वर्टिकल नेटवर्क, सुपीरियर सबॉर्डिनेट नेटवर्क. हॉरिजॉन्टल नेटवर्क, हॉरिजॉन्टल नेटवर्क नहीं है, सर्किट नेटवर्क, ठीक है. नेटवर्क का नाम है सर्किट. हॉरिजॉन्टल, स्टार, व्हील, एब्सोल्यूटली. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है. जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन के 3 parts क्या क्या हैं? कैन समवन टेल? व्हाट आर द 3 parts ऑफ? फर्क क्या है कम्युनिकेशन में और नेटवर्क में? हम तो सब सेम सेम बात करें. कैन यू टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन? कैन यू टेल? पैटर्न इन विच कम्युनिकेशन फ्लोज इज नेटवर्क. वेर एज कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. कम्युनिकेशन क्या है? द एक्सचेंज ऑफ इन्फो. वेर एज द पैटर्न इन विच इट फ्लोज. यस, नेटवर्क इज एक्चुअली द पैटर्न इन विच इन्फॉर्मेशन फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. सॉरी, हायरार्की इज चेन ऑफ कमांड, दैट इज द चेन नेटवर्क, ठीक है. इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क. टाइप सबकी अलग अलग है, ठीक है. अब देखो भाई, ये सारे अलग अलग कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने को भी आ सकते हैं, ठीक, डन. अब जैसे इसमें 3 और ऐड होते हैं जो फैक्टर्स इफेक्टिव बनाते हैं कम्युनिकेशन को, इमोशनल बैलेंस एंड कंट्रोल. यस, एंगर वगैरह को कंट्रोल करना जरूरी है, इमोशनल बैलेंस एंड कंट्रोल. सेकेंड थिंग, फोकस लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग. इज हियरिंग एंड लिसनिंग सेम? इज हियरिंग, कुछ यहाँ सोच रहे हो यार खाना वाना तो खा लिया, सोने को मिल जाता, हम कुछ यार क्या ये बोले जा रहे हैं, कब खत्म होगा, कब थोड़ा डांस ड्रामा होगा, क्लोजिंग का बोला था इन लोगों ने. इज दैट सेम एज एब्जॉर्बिंग द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग? व्हाई? हियरिंग प्लस विलिंगनेस प्लस फोकस प्लस अटेंशन विल बी इक्वल टू लिसनिंग. लिसनिंग इज हियरिंग प्लस अदर फैक्टर्स.
that make you absorb the information, interpret it, understand it, and make you ready to respond or react. ठीक है ना, ये clear है? चल, तो ये सारे questions यहाँ पर दिए हुए हैं. Barriers से related questions important हैं. Personal barriers, attitude. ठीक है, how you behave in a situation. Yes, student का attitude, employee का attitude, किसी friend का attitude. पर्सनल वरियर्स में और क्या क्या आ सकता है? लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, किसी को स्टैमरिंग होती है, प्रॉब्लम है, पर्सनल बरियर. और इससे क्या होता है? सिमेंटिक बरियर क्रिएट हो जाता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? सिमेंटिक इज ऑल अबाउट लैंग्वेज बरियर, डायलेक्ट. जैसे किसी ने बंगाली में कुछ अगर यहाँ पर बोला, ठीक है, छोटी, हाँ बंगाली लोग क्या बोलते, घूमिए पॉट. मैं तो जब छोटी थी ना, आई यूज़ टू गो टू अ बंगाली फ्रेंड्स हाउस, तो घूमिए पॉट मतलब मेरे को समझ नहीं आता था. अभी तो आई हूँ अंदर, फिर घूमने जाओ, तो सो जाओ, खाना खा लिया सो जाओ. इट्स अ डायलेक्ट, नो लोकल लैंग्वेज. मैनी पीपल हु डू नॉट हैव लैंग्वेज नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज इनफ मे नॉट बी एबल टू परसीव व्हाट यू आर सेइंग. डायलेक्ट होता है ये, एक्सेंट. समबडी इज कम फ्रॉम अ फॉरेन लैंड, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, एक्सेंट का डिफरेंस. जार्गन्स, हो सकता है आप ना समझ पाओ कई सारे जार्गन्स दूसरे फील्ड के. मेडिकल जार्गन समझते हैं अपन लोग? नहीं समझते, राइट? व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज ऑफ दैट फील्ड. दीज आर सिमेंटिक बैरियर्स एसेंशियली. ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या हो सकते हैं? कैन एनीवन टेल ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या हो सकते हैं? नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड हायरार्की. ठीक है, देन ऐसा हो सकता है कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा क्लियरली डिफाइंड नहीं है. स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, हायरार्की इश्यूज, हायरार्की इज नॉट क्लियर. ये क्या हो रहा है? अरे मेरी क्लास को भंग करके ये वहां हल्ला मचा रहे हैं. हाँ इनको बुलाना पड़ेगा, रुक जाओ, बुलाती हूँ. स्टार्ट करें, भेज दो सबको, इन लोगों को भेज दो. सो गाइज लेट्स पिक अप. यस, चलो भाई. हाँ ये नहीं, अच्छा यही तो है. एक्रिमनी, एक्रिमनी का हु कैन गिव मी द सिनोनिम? सिनोनिम, एनीवन कैन यू प्लीज रेज हैंड एंड देन आंसर. आ जाओ सर. सर का फेमस वर्ड है ना, ये रिलेटेड वर्ड है. एनीवन? बी हार्शनेस इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली. हाँ? भेजना है ना ग्रुप में यार. मैम कौन सा ग्रुप था इनका? नहीं ये नहीं है ना, इसको खोला तो इसमें हाँ. ही है. नहीं वो तो अपन ने डाउनलोड कर लिया, कर लिया. ये क्विज भी भेजना है ना? वो है ऑलरेडी, उसमें दिया हुआ है. इनके पास है ना? खोलो. हाँ नहीं खोल लो बस. तुम्हारे पास लास्ट ईयर का पेपर है, कम्युनिकेशन का पेपर है. लेट्स टॉक आफ्टर द एग्जाम. ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबली आ सकते हैं ना एक चैप्टर से, वो हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन कवर किया है, एक एक क्वेश्चन. सो लेट्स कनेक्ट वंस आफ्टर द एग्जाम्स. यू हैव आवर टेलीग्राम आईडी एंड एवरीथिंग. किसी भी बेटा, किसी भी चैप्टर से ना, इट इज, देखो आउट ऑफ व्हाट आई कैन शेयर यू फ्रॉम द 20 इयर्स दैट आई हैव, एटलीस्ट 40 टर्म्स ऑफ फाउंडेशन आई हैव सीन, देयर इज नो प्रिडिक्शन विद द पेपर. अभी जैसे तुम लोगों ने 20 वाला पेपर दिया था, जैसे टेप में एग्जाम कैंसिल हो गया था, वो देखा था कभी? देखा है वो पेपर, 2020 का पेपर देखा है कभी? तो इसमें फर्क क्या है? मतलब ये दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन विच यू आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन. अभी भी तो 2 मार्क्स के वही क्वेश्चन आते हैं. एक्चुअली जैसे पता क्या हुआ था, मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाई आई आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन. May 20 कैंसिल हो गया था कोविड के कारण, सबको पता है ना. May 20 वॉज कैंसिल, देन एग्जाम हैपेंड इन दिसंबर एंड इन जनवरी ऑल्सो. ठीक है, और एक में कॉम्प्रहेंशन के पहली बार कॉम्प्रहेंशन के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन लोगों ने. सो वो अगर नहीं किया होता ना उस समय, हम लोगों ने प्रैक्टिस पहले आया करते थे. एज यू सेड, इट यूज टू
इट डिडंट इवन कम इन द एग्जाम फॉर पास्ट 10 अटेम्प्ट्स. 2003-04 में आया करते थे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इट वाज रिपीटेड इन 20. अब क्या बोलोगे फिर कि रिपीट तो हुआ नहीं हमने तो, नहीं क्या खत्म. सो कोई भी चैप्टर हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे नरेशन हो, चाहे ग्रामर हो, मतलब प्रेडिक्शन तो उसमें नहीं है कि क्या कर सकते हैं और क्या आएगा और क्या नहीं आएगा. आ जाओ फिर फटाफट. हाँ हाँ जल्दी जल्दी. वो प्राइजेस भी हमारे पास है क्या? चलो जाओ सर, चले जाओ. एनाटॉमी का, एनाटॉमी का टेस्ट है. आ जाओ सर बैठो, टेस्ट करो सर. शांतम सर आ रहे क्या? तू क्या मतलब ऐसे कुचल उचल के जाएगा क्या कि टेस्ट के लिए बेटा? तो पैर चलो हो गया. ये अभी भी टेस्ट ले रहा है, ये अभी भी टेस्ट ले रहा है वाला टेस्ट. भाई किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए, मैं बैठा हूं फोकस करना है ना मतलब. ओके फर्स्ट हां YouTube पे जाना चाहिए. फर्स्ट हो गया. दरवाजा बंद कर दो, खड़ा मैं भरत. नॉट रन अवे. डी ह्यूमिडिटी हो गया. अच्छा रेज ऑफ हैंड के बाद होगा और जिसने अटर किया वो टीम कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना? चलो हाँ मतलब वो टीम ही कैंसिल हो जाएगा. ओके वर्ड इज एनहिलेट एंड मैंने वो हाईलाइट हो रहा है ऑलरेडी. चलो जी नेक्स्ट. ओके व्हाट इज इनसाइट एग्जांपल? ए वाले यो डी इज करेक्ट. डी अरे ये माइनस पॉइंट बाय करो भाई. डी इज द करेक्ट आंसर. डी एबीसीडी एबीसीडी ये बढ़िया है. चलिए जी रेपरकशन मेथड रिस्पांस इंडल्जेंस और नेग्लिजेंस. रिस्पांस धंधा तो बोलो हम जोर से चिल्लाएं. सुनो क्या चिल्ला रहे बेटा, नहीं करना जोर से चिल्ला. एंटोनिम 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 रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. यस मेहनत करते जाना लगातार, परसिस्टेंस लगातार करना, एफर्ट लगाना. सर इज परसिस्टेंट, डेफिनेटली सर इज परसिस्टेंट. जैतन इज वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट एडुकेटर्स. अच्छा पर मैं परसिस्ट हूं कि परसिस्टेंट. ठीक है
ओके चलो नेक्स्ट टू बी वर्न आउट क्लियर है कौन एक्सप्लेन करे टू बी वर्न आउट एक्सट्रीमली टायर्ड ठीक है चलो नेक्स्ट अब नेक्स्ट डंडा लो डंडा है क्या टू बीट समवन दैट इन टू सर सर आंसर बच्चे लोग को पता है बच्चे लोग को पता है क्लियर है ना टू बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू ठीक है ब्लैक टू यूज कलर्स टू बीट समवन अंटिल ए इज द आंसर ठीक है टू बीट समवन अंटिल ब्लू इज चलो नेक्स्ट बची है सर बची है D.
चलो अ डॉग्स लाइफ Academy. Let's crack it.